दिल्ली से सटे नोएडा में शुक्रवार को 8 घंटे के भीतर पूरा परिवार खत्म हो गया। सुबह करीब 11:30 बजे एक युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। इससे आहत पत्नी ने शाम 7:30 बजे 5 साल की बच्ची की हत्या कर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच में पुलिस आर्थिक तंगी को इसकी वजह मान रही है। वहीं पुलिस के मुताबिक चेन्नई के रहने वाले भरत जे सुब्रमण्यम सितंबर में काठमांडू से नोएडा शिफ्ट हुए थे। वे यहां सेक्टर 128 में जेपी पवेलियन कोर्ट में परिवार के साथ रहते थे। परिवार में उनके साथ पत्नी शिवरंजनी, बेटी जयश्रीता और भाई कार्तिक था। कार्तिक यहां कोचिंग कर रहा था जबकि बेटी केजी में पढ़ती थी। भरत एक चाय कंपनी में मैनेजर था। शुक्रवार सुबह 11:30 बजे भरत ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त करते हुए सूचना पत्नी को दी। वहीं पत्नी शिवरंजनी अपने देवर कार्तिक के साथ राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पहुंची। वहां से लौटने के बाद शिवरंजनी ने भी 5 साल की बेटी जयश्रीता की हत्या करके फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फ्लैट में दोनों के शव फंदे से लटके हुए मिले। थाना प्रभारी भुवनेश कुमार ने बताया कि भरत ने 10 साल पहले शिवरंजनी से लव मैरिज की थी। वे गोल्डन टिप्स चाय कंपनी में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। भरत इससे पहले नेपाल में नौकरी कर रहे थे। वहीं आत्महत्या की स्पष्ट वजह सामने नहीं आ पाई है और उसकी लगातार जांच की जा रही है। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन। World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही latest खबरें पाने के लिए bell icon को click कर हमारे channel को like, share and subscribe करें। धन्यवाद।